इस टाइप पे वाइट हो गई है। इसमें क्या हुआ है, मोस्टली जो हमने देखा कस्टमर से यदि हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये लैपटॉप बैग में रख दिया था, उसके ऊपर उन्होंने बुक वगैरह रख दी थी, बुक रख के थोड़े कपड़े भी रख दिए थे, जिस वजह से ये टाइट ऐसा हो जाता है कि ये ऐसे दब जाता है। और हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एप्पल का लैपटॉप आया है। एप्पल का ये मॉडल क्या है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मॉडल हम कहाँ पे देखते हैं। आप बॉटम पे जाओगे, बॉटम पे कुछ लिखा होता है यहाँ पे, इसमें ही हमारा मॉडल होता है, जैसे कि A1466, A1369, A1502, इस टाइप के मॉडल होते हैं इसमें। तो हमने आपको बता दिया है कि मॉडल कहाँ से हम पता करते हैं लैपटॉप का, एप्पल के लैपटॉप का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। इस एप्पल के ये जो मॉडल हमने आपको बताया, ये A1466, हम जब इसे ऑन करते हैं तो ये ऑन होता है। ऑन होने के बाद हम आपको दिखाते हैं इस पे स्क्रीन पे, आप देखोगे ये थोड़ा कंट्रास्ट बनता है और स्क्रीन व्हाइट हो जाती है इसकी, इस टाइप पे व्हाइट हो गई है। इसमें क्या हुआ है, मोस्टली जो हमने देखा कस्टमर से यदि हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये लैपटॉप बैग में रख दिया था, उसके ऊपर उन्होंने बुक वगैरह रख दी थी, बुक रख के थोड़े कपड़े भी रख दिए थे, जिस वजह से ये टाइट ऐसा हो जाता है कि ये ऐसे दब जाता है, और जब दबाव में आता है तो हमारी स्क्रीन की ये कंडीशन हो जाती है। इससे बचने के लिए यही है, लैपटॉप का अलग बैग रखें और लैपटॉप को हमेशा केयरफुल रखें। ये बहुत ही सेंसिटिव स्क्रीन होती है और ये स्क्रीन के बचाने का एक ही उपाय है कि आप अपने लैपटॉप को अकेला ही रखें, ना कि किसी बैग में ऐसे ठूस ठूस के भरें। तो ये भी अब इसकी कंडीशन ये हो गई है। तो सूरज कंप्यूटर इसकी एप्पल की स्क्रीन चेंज करेंगे, कुछ मॉडल की स्क्रीन इजी मिल जाती है, कुछ मॉडल की स्क्रीन हमें मंगानी पड़ती है, जो लेटेस्ट मॉडल होते हैं उनकी हमें अरेंज करानी पड़ती है। जैसे ये 1466 है, 1278 है, इस टाइप के जो पुराने मॉडल होते हैं, तो सूरज कंप्यूटर पे एक दिन में ये स्क्रीन चेंज हो जाती है। यदि आपके पास एप्पल का कोई भी लैपटॉप है तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।